दोस्तों आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है, वो आपके स्टोरेज डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट है। हम जानते हैं मार्केट में दो टाइप के स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल हैं, एक है HDD, दूसरा है SSD। अगर आपको HDD और SSD में डिफरेंसेस नहीं पता है तो आज के टॉपिक में हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। पहले HDD की। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के डेटा को अपने डिस्क में परमानेंट स्टोर कर लेता है। हार्ड डिस्क ड्राइव साल 1956 में पहली बार IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। मैग्नेटिज्म प्रोसेस को इस्तेमाल करके हार्ड डिस्क ड्राइव डेटा को स्टोर करता है। HDD के अंदर हमें एक प्लेटर देखने को मिलता है जो कि कंप्यूटर के डेटा को रीड और राइट करने में मदद करता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब वह प्लेटर तेजी से घूमता है तब हमें कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। HDD में प्लेटर 5400 RPM 2700 RPM की स्पीड से घूमता है। हार्ड डिस्क ड्राइव एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब मार्केट में हार्ड डिस्क दो टाइप के अवेलेबल हैं, इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अब देख लेते हैं SSD के बारे में। SSD का फुल नेम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD भी डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लेता है। SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं लगा होता, इसी वजह से SSD में से कोई आवाज़ भी नहीं आती। SSD नई टेक्नोलॉजी है। SSD HDD से 10 टाइम फास्ट होता है। SSD छोटे छोटे सेमीकंडक्टर से बना होता है। SSD में छोटे चिप लगे होते हैं। जितना ज़्यादा चिप उतना ही ज़्यादा स्पेस या स्टोरेज होता है इसमें। SSD HDD के मुकाबले साइज़ में छोटा होता है, लेकिन HDD के तुलना में SSD एक्सपेंसिव होता है। अगर आपके हार्ड डिस्क 2 GB का प्राइस 5000 रुपये है तो आपके 2 GB SSD का प्राइस ऑलमोस्ट 10,000 to 12,000 रुपये हो सकता है। डबल प्राइस होता है आपके SSD का HDD के मुकाबले। SSD की लाइफ आपकी लॉन्ग होती है HDD के मुकाबले।